स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में लोधी समाज की बहुत बड़ी आबादी है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर लोधी समाज का समर्थन हासिल किए बिना जीतना भी संभव नहीं है। एक समय में पूरा लोधी समाज कल्याण सिंह के साथ था और जहां बाबूजी कहते थे वहां पर समाज चल देता था। लेकिन कल्याण सिंह के निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोधी समाज का नेतृत्व कौन करेगा। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में एक नाम था जिसकी आवाज दिल्ली तक गूंजती थी। वो राजनीति तो यूपी की करता था लेकिन उसकी चर्चा देश की राजधानी तक होती थी। वो नाम था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। जिसने पूरी हनक और सख्ती के साथ शासन किया और लोधी समाज का नेतृत्व किया। काम ऐसा किया कि पूरा लोधी समाज उन्हें बाबूजी कहकर बुलाने लगा और उन्हीं के नेतृत्व में लोधी समाज एक बड़ी राजनीति शक्ति भी बना। हर पार्टी को चुनाव जीतने के लिए लोधी समाज का वोट चाहिए, लेकिन कल्याण सिंह के निधन के बाद खाली हुई जगह को अब कौन भरेगा, इस पर सस्पेंस है। मौजूदा वक्त में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता जिसके नेतृत्व में पूरा लोधी समाज आगे बढ़ सके, जिसको लेकर लोधी समाज के लोग काफी चिंतित हैं। बाबूजी का नेतृत्व के पीछे पूरा हमारा समाज पीछे था, जबकि अभी ऐसा कोई नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। कब तात्पर्य है कि अब समाज जाने की कोशिश कर रहा है, अब पीछे से लेकर आइए से बनने गए हम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक नहीं अनेक नेता बने हैं। तो अलीगढ़ से भी कोई और ऐसा कोई नया चेहरा हो जो अलीगढ़ का भी विधायक बने कभी, या फिर सांसद बने या फिर मेयर बने, तो जरूरत तो है। तो वर्तमान में अभी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनके कॉलम को पूरा कर पाए, लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य के साथ कोई ना कोई ऐसा नेतृत्व करता आएगा जो उनके पद चिन्हों पर अवश्य चलेगा। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से राजनीति शुरू करने वाले कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और अटल आडवाणी युग में तीसरी सबसे बड़ी हस्ती हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में उनका कद काफी बढ़ चुका था। वो लोधी समाज के साथ ही साथ ओबीसी के कई जातियों के पसंदीदा नेता बन चुके थे। उनकी एक आवाज पर उनके समाज के लोग उनके साथ चल देते थे, लेकिन आज के दौर में लोधी समाज के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसका आह्वान पर पूरे प्रदेश का लोधी समाज एकजुट हो सके। नेतृत्व भी नहीं, इस समय कोई भी ऐसा नेता नहीं लोधी समाज का जो हमारे हम लोगों को वो आगे बात बढ़ा सके, आगे उनको कर सके। हमारी रायबरेली में तो इस समय शिव गणेश और उनके लड़के राहुल हैं, बस उन्हीं को जानते हैं। आगे अब कौन आते हैं कौन नहीं आते, राजनीतिक पार्टियों का तय करना है कि इस लोधी समाज को हम करें क्या, इसको किधर ले जाएं। जिधर ले जाएंगे कोई लीडर होगा हमारा, कोई पद देंगे तो उसके साथ हम लोग हैं। लोधी समाज को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि अब बाबूजी उनके बीच नहीं है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एटा के सांसद उनके बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया हैं। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह युवा नेता और कल्याण सिंह के पोते हैं, लेकिन समाज का सर्वमान्य नेता बनना अभी बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजवीर और संदीप सिंह बीजेपी में हैं और विपक्षी पार्टियां लोधी समाज का वोट हासिल करने के लिए बीच बीच में बिरादरी के दूसरे नेताओं को भी खूब तवज्जो देती है। समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि उसका एक नेता हो जिसकी एक आवाज पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाए। लोधी समाज राजू भैया के लिए सपोर्टिंग पूरा प्रदेश तैयार है। बाबूजी के जाने के बाद क्षति हुई है, उसमें कोई दोहराव नहीं, लेकिन समाज का जो वोट है वो बाबूजी के बाद राजू भैया यानी छोटे बाबूजी को मान चुका है। लोधी समाज के बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह जो अब नहीं रहे, उमा भारती अब सक्रिय नहीं है, साक्षी महाराज उम्र दराज हो चुके हैं और बीएल वर्मा केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लोधी।
यूपी में कुल आबादी का 8%। लोधी समाज के 15 विधायक हैं। यूपी के 25 जिले लोधी बाहुल्य हैं। 80 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। बात करें अगर लोधी बाहुल्य राज्यों की, तो सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। तो अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा, भारतीय लोधी राजपूत समाज, लोधी क्षत्रिय युवा संगठन, अखिल भारतीय लोधी राजपूत संगठन, अखिल भारतीय लोधी कर्मचारी और अधिकारी संघ, अखिल भारतीय लोधी सेना है। आजादी की लड़ाई में लोधी समाज की भी अहम भूमिका रही है। 1842 में दमोह में बुंदेला विद्रोह, अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटे लोधी, लड़ाई में अंग्रेजों के पसीने छूटे, 1857 की क्रांति में लोधी समाज की अहम भूमिका रही। लोधी समाज में रानी अवंतीबाई लोधी का काफी महत्व है और पूरा समाज अवंतीबाई लोधी को महानायिका मानता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया, जिस पर पूरे लोधी समाज को गर्व है। समय समय पर लोधी समाज से आए कई बड़े नेताओं ने समाज का नेतृत्व किया और समाज को एकजुट रखा, उत्साह बनाए रखा, लेकिन राजनीति में कल्याण सिंह के बाद खाली हुई जगह को भरना एक बड़ी चुनौती है और बिना किसी बड़े नेता के लोधी समाज लावारिस जैसा महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।